शहद तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी। आज हम खाएंगे सबसे बड़े छत्ते का शहद। नाश्ते में शहद, खाने में शहद, सुबह शाम शहद। बलू, भला भालू, तुमसे कब से मिलने की उम्मीद थी? और तुम्हारा नाम क्या है मैडम जी? बेला। मुझसे मिलने आए हो तबाकी? हाँ, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार हड्डी चेक कर लूं कि ये खाने लायक है कि नहीं। शेर खान, आज के दिन मैं उस इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना के रहूंगा। ऐसा क्या? फिर तो मजा आएगा। अफसोस तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ दूसरा साथी जाएगा जिस पर मुझे भरोसा है। पर शेर खान, मैं भी तो भरोसे लायक हूँ। खबरदार तबाकी, अगर मेरे उस खाने को सूंघने की भी जुर्रत की तो। हमारे बलू जी को क्या हो गया? लगता है बलू की भैंस गई पाई है। तो तुम मुझे अपना जंगल घुमाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर घुमाऊंगा। पर हम तो शहद लेने जाने वाले थे ना। वहाँ बाद में जाएंगे मोगली। मोगली? ओह, ये है तुम्हारा नन्हा दोस्त, इंसानी बच्चा। ओह, कितना प्यारा दुलारा है। चलो जाओ, कहीं जाकर खेलो। मैं और बल्लू अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। ये क्या बात हुई बघीरा? मोगली, ये एक आम बात है, एक भालू अब भालू के पीछे ही जाएगा ना। और मेरा क्या? हाँ, और बलू का, और वो शहद का। अरे बलू, रुको मोगली, बलू को ये वक्त अकेले में बिताने दो, वरना और ये है शिव का मंदिर, ये इंसानों ने बनाया है, पर मुझे इसकी कारीगरी बहुत अच्छी लगती है। पर तुमसे ज्यादा कमाल की नहीं है। चलो बलू, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? हाँ। आंखें तो बंद करो, खोलना मत। बलू, हटो वहाँ से। मोगली, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने इतनी महान कलाकारी का क्या किया? क्या? ये मैंने किया? झूठी, तुमने किया ये? इसे माफ कर दो, ये अभी बच्चा है और बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। चलो मोगली, अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। पर बलू, मुझे शुरू से ही लगा था ये बेला कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। वो इसी तरफ आए थे। ओ बलू, तुम्हें पता क्यों नहीं चलता कि वो एक बाले बूबू? आज का दिन तो कितना सुहाना है। सुहाने से भी सुहाना है। मीठे आम, मुझे आम बहुत पसंद है। अगर मैडम जी को आम पसंद है तो ये बंदा जरूर लाएगा आम। वो आगे वाला, वो सबसे टेस्टी लग रहा है। वो वाला? हेलो। मोगली, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। मोगली, अरे नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा पीला हो गया है पीले फूलों की वजह से। हाँ,
बलू बात समझो ना, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए, पर बेला एक... वो एक बहुत ही खूबसूरत भालू है जिसमें बहुत तमीज है, पर तुम्हें तमीज सिखाने की जरूरत है। अब मैं फिर कहता हूँ प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। मोगली और बलू भी इसी तरफ गया है। वो शैतान का नाना इंसानी बच्चा नहीं होता तो बल्लू का काम खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रही हो। बल्लू का सफाया होते ही मैं इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना लूंगा। उसे फूलों के बाग में ले आओ, वहीं निपटेंगे उससे। शेर खान, और वादे के मुताबिक जंगल का ये हिस्सा मेरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये शेर खान का वादा है। हाँ? शुक्र है मोगली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बलू की करो। बलू खतरे में है, वो बेला है ना शेर खान से मिली हुई है। ओह सच में? अरे हाँ, मैंने उन्हें एक साथ देखा था। मेरा यकीन करो बघीरा। बोलते रहो। उसने बेला से कहा बलू को फूलों के बाग ले जाओ, वो उसे वही निपटेंगे। और फिलहाल बलू कहाँ गया है? पहाड़ी के ऊपर। चलो हमें उसकी आँखें खोलनी होंगी। चला गया। बोलो अब हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके हमें फूलों के बाग पहुंचना होगा बघीरा। पर पहले तुम्हारा थोड़ा मेकअप हो जाए। हाँ? फूलों की खुशबू से महकोगी तुम, जिंदगी बिताएंगे मिलकर तुम हम, और फिर हम दोनों। अब इससे ज्यादा गाना मैं नहीं बना सकता, पर तुम्हारे लिए गुलदस्ता बना सकता हूँ। बाली बुबू, उप्स, मेरे हाथ से अंदर फिसल गया। फिसल गया तो क्या हुआ, बलू है ना, अभी निकाल देता हूँ। बेला, शिखा, और क्या बोलो, बलू का काम तमाम किया? देखो फंसा दिया है, क्यों ना तुम्हें इसका काम तमाम कर दो। मोगली बिल्कुल सही कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। चलो शुक्र है तुम्हें अब कुछ समझ में तो आया। तो बलू का खेल खत्म हो गया ना? ओ शिखान, पर मुझे लगा तुम वहाँ। तो वहाँ कौन था? इंसानी बच्चे, मुझे लगा ही था अगर तुम्हारे दोस्त बलू को शिकार बनाया जाए तो तुम तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और देखो ना जितना आसान सोचा था ये उससे कहीं आसान है। कब तक अपने दोस्तों के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? ओ ये शेर खान कहां से आ गया दोस्तों? बस अब और एक्टिंग मत करो, मैं एक सीधा साधा भालू हूँ इसलिए तुम्हारी असलियत पहचान नहीं पाया, पर अब बेवकूफ नहीं बनूंगा, इसलिए इसी वक्त चली जाओ। आज के बाद मेरे इलाके में नजर मत आना। लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या? आजकल के भालुओं को तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पहले खुद को देखो फिर कहो मैडम। टबाकी, ओ प्यारे टबाकी, खाना अच्छा तो लगाना। अरे हाँ शेर खान, मेरा मतलब है नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो सूंघा तक नहीं। बच्चा, मैंने इससे अच्छा शायद कभी नहीं खाया। मोगली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, माफ कर दो दोस्त। युहू! फिर
से आ गई। आह बलू, तो यहाँ हो तुम। पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर खोजी है, बहुत सुंदर है, पास ही दिखी थी। तुम कहो तो एक मुलाकात करवा दूँ? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले उससे मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि उससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिखा क्या मोगली? अरे नहीं यार, शिकार के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा बाला। पर हमारा हो सकता है। अगर इस साल भैंस नहीं आए तो क्या होगा अकेला? हमारे पास बहुत कम खाना बचा है। वो तो जरूर आएंगे लाली, और जब तक हमारा खाना इस खुफिया जगह पर है हमारी भूख मिटती रहेगी। पर याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से खाना लेने की जुर्रत मत करना। बहुत तौड़ा लिया, पर ठीक है, अब तुम दोनों को खाने में बहुत मजा आएगा। बच्चों हमला करो, इन बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शेरखान। यहाँ से दफा हो जा कीड़ा कहीं के, तेरी इस गुस्ताखी की सजा तुझे मिलेगी। सबसे पहले तुझसे निपटूंगा गीदड़। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। तबाकी, तुम जब तक चाहो हमारे इलाके में पनाह ले सकते हो। तुमने जिस बहादुरी से मोगली और बाला को बचाया ये उसका इनाम समझ सकते हो। तुम तो बहुत बहादुर हो तबाकी, बिल्कुल एक हीरो की तरह, है ना मोगली? मोगली जरूर कुछ गड़बड़ है, तबाकी जैसा मक्कार और झूठे ने ऐसा किया। हमें उस पर नजर रखनी होगी बाला। बहुत अच्छे, तुमने मेरा हमला अच्छा रोका, अब चलो मुझ पर दोबारा हमला करो। अरे नहीं नहीं, मैं भागता हूँ, तुम पकड़ो, मैं उसमें माहिर हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत। तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा, सोचो शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा है। उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही बाला। चलो और पास चलते हैं। तुम भेड़ियों की बात ही निराली है, तुम्हारा झुंड मुसीबत के दौर में भी जिंदा रहता है। आजकल ही देख लो, सभी भैंसे चले गए हैं तब भी सब जिंदा हो, ये तो मानना पड़ेगा। अरे इसका राज ये है कि हम खाना जमा करके रखते हैं। अब कुछ सुनाई दे रहा है बाला? अरे तुम दोनों झाड़ियों में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बेरीज लेने आए थे। झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे, तुम दोनों जासूसी कर रहे थे, वो भी मेरी। अरे इसने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए मोगली। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं, वो बस मोगली को मुझ पर अभी भी शक है। खैर उसकी भी गलती नहीं है, मेरा मतलब मुझे अपनी ईमानदारी को और साबित करना होगा, है ना? तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना आज शाम की पहरेदारी की शुरुआत मैं ही कर लूं। ये बात तुमने अच्छी कही तबाकी, तो चलो कर लो। कौन है वहाँ? मेरा मतलब रुको, दोस्त हो या दुश्मन? हाँ? नहीं 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 नहीं, दुश्मन हो तो भाग जाओ। कोई सुराग मिला क्या अब तक? ये आवाज कैसी थी? कहीं वो मोगली तो नहीं था? पहले ही उसे मुझ पर शक है, कहीं उसे सबूत ना मिल जाए। इसलिए भागना शुरू कर गीदड़। मैंने उन्हें एक साथ देखा,
तबाकी और शेरखान दोनों को ही नई चाल चल रहे हैं। इतने पक्के से कैसे कह सकते हो? हाँ? बचाओ! शेरखान आ रहा है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो पहरेदारी कर रहा था, तभी एक आवाज आई और जब मैं उसे देखने गया तो वाह वाह। अब मत घबराओ तबाकी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने उसे भगाने की कोशिश की पर मैं नन्ही सी जान क्या कर पाता। ये बातें बना रहा है मोगली, आज दूसरी बार तबाकी ने हमें शेरखान से बचाया। तुमने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो, बाकी पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। मेरी बात का यकीन करो बाला, तबाकी और शेरखान जरूर कोई चाल चल रहे हैं। पर क्या? मेरे साथ आओ। तबाकी, कहाँ चले गए हो तुम? तबाकी, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही लाली, वो मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था, बहुत भूखा हूँ ना। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, शायद हफ्तों से। ओ, बेचारे तबाकी, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें खाने की जगह ले चलती हूँ, पर मुझे इसके लिए अकेला से पूछना पड़ेगा, मैं अभी आती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है, जब तक तुम वापस आओगी मैं भूख से मर ना जाऊं। अरे नहीं, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ओह शुक्रिया प्यारी लाली, तुम कितनी भोली हो, मेरा मतलब अच्छी हो। हम अभी तक पहुँचे नहीं क्या? बस पहुँच ही गए। रुको तबाकी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। लाली, इसने तुमसे झूठ कहा है। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी बातें मत सुनो, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी तुमसे नहीं लाली। यकीन मानो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो बस खाना चाहिए। यही तो बात है, तुम शेरखान के साथ मिलकर हमारे खाना छुपाने की जगह ढूंढना चाहते हो, है ना? क्या ये सच है तबाकी? चले जाओ, तबाकी को कुछ मत करना। वैसे शेरखान मुझे कुछ करता भी नहीं है। लाली की सलामती चाहते हो तो अपनी जगह से हिलना मत बरखुरदार, अब तुम्हें अपना काम पता है कि बताओ? लाली का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए शेरखान, वरना। वरना क्या, इंसानी बच्चे। खाली है, इनके यहाँ तो एक हड्डी भी नहीं है शेरखान। ये मैंने किया क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे पता थे शेरखान, क्योंकि हम भेड़ियों से तुम सिर्फ एक ही चीज चाहते हो और वो है हमारा खाना। जल्दी बताओ कहाँ छुपाया है। भागो मोगली, भागो, भागो। तुम्हारी कहानी खत्म मोगली। मुझे तो ऐसा नहीं लगता शेर खान, मेरे साथ ही आ रहे हैं, जरा पीछे तो देखो। बकरा कब तक खैर मनाएगा? क्या हुआ, खाना मिला क्या? तो मिल मुझे। Ah!
क्या बात है, बहुत खूब मोगली और बाला, तुमने अपनी लाली की जान तो बचाई ही, साथ ही हमारा खाना भी बचाया। मैं कितनी बुद्धू हूँ। अरे नहीं, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो जो सबका भला चाहती है। और नहीं तो क्या, ये सब टबाके की चाल थी। अब जरा ये भी बता दो कि तुम दोनों ने खाना कहाँ छुपाया है। मेरे पीछे आओ।